पेश है हरियाणा की बड़ी खबरें। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल किसानों के सच्चे हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा अकाली दल के साथ राजनीतिक संबंध नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध है। अभय सिंह चौटाला ने पंजाब में अकाली दल की सरकार बनने का भी दावा किया है। हरियाणा में यूरिया खाद किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यूरिया खाद की कमी होने से किसानों की फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच रही हैं। ऐसे में फरीदाबाद में यूरिया की किल्लत के चलते किसानों ने सरकार से पर्याप्त मात्रा में खाद की सप्लाई करने की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि जब तक हमें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलेगा तब तक उनकी फसलों की पैदावार सही नहीं होगी। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है। इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स ने प्रदेश के मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी मांगे मनवाने के लिए ज्ञापन सौंपे हैं। ऐसे में मंगलवार को करनाल में आंगनवाड़ी वर्कर सीएम आवास का घेराव करने पहुंची। प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कोरोना संक्रमित डॉक्टर ही कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों की कमी है। जिले के एकमात्र नागरिक अस्पताल में दर्जन फ्रंट लाइन वॉरियर संक्रमित है और अस्पताल में स्वयं के साथ साथ मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि दूसरे डॉक्टरों के संक्रमित होने का खतरा भी नहीं होगा और डॉक्टरों की कमी भी नहीं होगी। फरीदाबाद के अजरोंदा में ग्रामीणों ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से लगती सड़क को जाम कर दिया, जिसके चलते सड़क पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं जाम लगने की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनाती कर दी गई। दरअसल गांव में विकास कार्यों के नहीं होने से परेशान ग्रामीणों ने सड़कों का जाम कर दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।